नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट से संबंधित कुछ प्रमुख विषयों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रमुख विषय हमारा यही होता है कि नोटिफिकेशन कब आई, फॉर्म कब डाला गया। अब जब फॉर्म डला जाता है उसके पश्चात ये होता है कि अब कुछ पढ़ाई कर ली जाए, है ना। तो पढ़ाई कर ली जाए तो पढ़ाई में कैसे पढ़ना है, सबसे पहले ये आ जाता है कि क्या पढ़ना है ना। तो क्या पढ़ना है, तुम्हें पांचों सब्जेक्ट्स हमको पता चल जाते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो सभी चीज़ें हो जाती हैं। और लास्ट में आ जाता है कि भाई पढ़ें किससे, तो पढ़ने के लिए जो किताब की आवश्यकता होती है उसमें किस किताब का सहारा लें जो हमारी नाव पार करे, यानी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई कराए और अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त कराए, है ना। तो मैं आपके लिए आज इसी विषय पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और उम्मीद है कि वीडियो जरूर पसंद आएगा। और आप हमारे प्लेलिस्ट पे चेक करिए, जितनी भी चीज़ें हैं आपको जो भी जरूरत है, हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण या एनीथिंग, समाज, सामाजिक विज्ञान, सारी वीडियोस हमने यहाँ पे अवेलेबल कराए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें अपने आपके एग्जाम से संबंधित यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, मेरे पास एक किताब है अभी, और ये हिंदी की है, मेरे पास बाल विकास की, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, ये किताब है, मैं इस किताब के बारे में आपको थोड़ा सा बताने चाह रहा हूँ कि इसमें ये है कि इसमें मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी है, लेकिन मैंने इसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने इसको लगभग एक दिन पढ़ा है और इसको मैंने अच्छे से स्टडी किया है, इसके बारे में समझा है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को इसमें पॉजिटिव लगी हुई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और किताबों के मुकाबले ये क्यों अच्छी है मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। और जैसा कि इसमें है कि ये एग्ज़ाम कार्ड्स के लिए ये जो है ये बेस्ट सेलिंग बुक है, और लगभग किस इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूं। और इसमें पेपर वन, पेपर टू, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर प्राइमरी वाले बोले या जूनियर वाले बोले कि मेरे लिए है या नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा तो समान होती है सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं इसकी पहले हम भूमिका वगैरह है, उसके बाद हम विषय सूची देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें हैं, विषय सूची की बात करें तो जैसे उद्गम विकास इससे संबंधित, देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत लोग को लगता है कि या विकास क्रम वगैरह प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है, थोड़ा बहुत 1 2 3 प्रश्न आ जाता है, जैसे कि ये रचना किसकी है या ये सारी चीज़ें, तो इसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें, और ये आपको इतनी बड़ी यहाँ पे लिस्ट लग रही होगी लेकिन है बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, इसलिए मुझे अच्छी लग रही है कि वन लाइनर है और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और उसके बाद देखिए भाषा और व्याकरण में, वैसे व्याकरण के सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको जैसे संधि, संज्ञा, विशेषण ये सारी चीज़ें हैं मैंने बनाए हुए हैं, आप देखिए आराम से। उसका संधि है आपका, संधि भी बनाया हुआ है मैंने, आप देखिए और इसमें भी पढ़िए। और इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो इसको मैं मोड़ देता हूँ, ठीक है, तो देखने में आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, उपसर्ग, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अर्थात जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी परीक्षा के लिए, वे सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, है ना। तो हमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आपके पास लगभग अभी भी 3 महीने का समय है आपकी तैयारी के लिए, तो ये किताब मैं बताऊं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकती है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात इसमें मेरे को फ़ायदा ये लगा कि पहले आपको यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कराई जाती है ना, उसके बाद एक्सरसाइज कराने के बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न भी है और आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, और हम इसमें से आपको डिस्कस भी कराएंगे जब हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके माध्यम से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुछ प्रश्न हम इस बुक से भी लेंगे, जैसे आपको अगर जो हमें ऐसा लगेगा कि अच्छा है तो आपको जरूर बताया जाएगा। और सेम इसी मॉडल में बाल विकास की भी है, और इसी तरीके से पर्यावरण और सारी किताबें हैं इसी पब्लिकेशन की, पब्लिकेशन नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। और आपको इन किताबों को लेने की बड़ी बात यह है कि इसमें ऑनलाइन भी हो जाता है, आपको ये किताबें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और जैसा कि अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप अगर आपकी नज़दीकी दुकानों में मिल जाए तो ले सकते हैं, है ना। और लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज भी फ्री है शायद, हाँ डिलीवरी चार्ज फ्री है इनमें अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं। तो इसी तरीके की किताबें हैं ये दोनों किताबें, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और इसी तरीके की आप ले लीजिए, तो आपका उम्मीद है अगर आप सारी किताबें पढ़ लें, सभी को 1 1 घंटा दिन में देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिलेबस में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो पर्सनली सभी सब्जेक्ट को लेके, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग के साथ आपके साथ हैं। तो बस आपको भी हम लोग के लिए बस ये करना है कि आपको ये जो लाल डब्बा है जिसमें लिखा हुआ था सब्सक्राइब,
उसको आपको दबा देना है, और साथ में एक घंटी भी आती है उसको भी दबा देना है। उससे क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आती है तो आपको मिल जाती है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद है कि पसंद आया होगा थोड़ा बहुत सजेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए, अगर आपको इससे भी अच्छी कहीं बुक मिल रही है तो आप उसको भी ले सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो वहाँ पे लिंक दी हुई है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।